बनना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तुझे बहुत प्यार करते हैं, अब ये बात का हम सबूत तो नहीं दे सकते तुमको, लेकिन तुम भरोसा कर सकती है। कितना भी हम गिर जाए, हम चाहे हमारा जान का आईना निकल जाए, लेकिन हम इस चोरी डकैती बेईमानी ये सब नहीं करेंगे। सुने हैं अधिकारी आया है, ईमानदार भी है, तब क्या करोगे? चाचा ये जो तुम सपना देख रहे हो ना हमको बेईमान साबित करने का, तुम्हारा सपना सपने रह जाए। गाँव में जितने लोग भी विकास की बातें कर रहे हैं ना, जब तक हम नहीं चाहेंगे ना गांव में कौन भी विकास पास नहीं होगा। चाचा मेरा भाई बहुत जिद्दी है, कह तो रहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, आप तो जानते हैं ना मन नहीं मानता। अरे तुमको काहे चिंता पड़ी है उसकी, उसकी माता रही है, मेरा रू है, वो चिंता करे, तुम अपना देखो। हे भगवान जी, कहने को तो घर में सिर्फ दो ही लोग है, लेकिन घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और वो छाया शहर जाके मायको तो भूल ही गई है, न कोनो बात न कोनो चीत। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम तो सिर्फ जन्म देके पाल पोस के बड़ा करने के लिए है, उकरे बाद लयका फैका सब अपने मर्जी के मालिक, दुई मीठा बोल बोलने का फुर्सत नहीं माय के साथ। माँ जी आपका काढ़ा तैयार है, लाइए कपड़े मैं उतार देती हूँ। अरे रुको, अब घर का चौखट लांगने का इरादा है का? हम देख रहे हैं बहुरिया, जब से सूरज शहर गया है ना तब से कुछ ज्यादा ही आजादी चढ़ा है तोहर पे। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक हम जिंदा है ना तब तक तुमको इस घर का रीति रिवाज को मानना ही पड़ेगा। हमरे ना रहने पे तुमको जो करना होगा करना, वैसे ही बुढ़ोती में अभी कोई भरोसा है का? पता नहीं कब बुलावा आ जाए। माँ जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? धीरज भैया कब से कह रहे हैं, एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ ठीक है, अब दूध के जैसी खड़ी कहा और रास्ता दोगी नहीं, पकड़ो लाओ। अपने जेठ जी के मन की बात जितना मन से बांच रही हो ना, उतना ही मन से अपने पति के मन को समझने की कोशिश करती तो बात ही कुछ और होती। तनिसा पढ़ लिख का लिए हो, सब संस्कारों की पुड़िया गंगा जी में बहा दिए हो। माँ इस घर के संस्कार ही मेरी पहचान, इसके सिवा मेरी और कोई पहचान नहीं है। ज्ञान तो तुम इतना अच्छा दे देती हो कि सामने वाले का तो मुंह ही बंद हो जाए, लेकिन ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है। अरे ब्याह के बाद औरत का जीवन परिवार और ससुराल तक सीमित रहे, उसी में ही सबका भला है। माँ औरत का जीवन तो हमेशा हाशिए पे रखा जाता है, बेटी के जन्म लेने के बाद माँ बाप खुशी मनाने की बजाय चिंता से अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग आज भी बेटी को बोझ ही समझते हैं। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं किसी तरह बेटी की शादी करा दी जाए और इस बोझ को सर से उतार दिया जाए। और जब वो ससुराल जाती है तो वहां पर भी उसे पराया समझा जाता है, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। लेकिन विधाता ने औरत को एक बहुत बड़ी ताकत दी है सबको अपना बना लेने की, जहां जाती है सबको अपना बना लेती है। और जो सबको अपना बना लेता है वो पराया कैसे हो सकता है? माँ इतना सजा सजा के काहे कह रही हो, सीधे सीधा काहे नहीं कह देती कि तुम्हारी आजादी में हम रुकावट बन रहे हैं? सही कहा ना हमने? अरे नहीं माँ, हमने तो बस वैसे कह दिया था। अगर आपको हमारी बात से बुरा लगा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए माँ। अरे वाह, पहले आग लगाओ फिर पानी डालो। हाँ भाई हाँ, हम तो ठहरे पुराने जमाने के लोग और तुम लोग ठहरे नए जमाने के। ये सब रीति रिवाज संस्कार
तुम लोगों को खराब लगेगा ही, लेकिन बहुरिया किसी को चाहे जितना भी खराब लगे, इतने साल से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं ना, उसी की वजह से समाज में परिवार के लोग इकट्ठा रह रहे हैं। और सुनो, पराए लोगों की बात सुनने से पहले अपने पति के बारे में सोचो। वो बेचारा शहर में हाट गला रहा है और तुम हो कि पुराना होने से बात नहीं बदल जाएगा। अब हमें ज्ञान देने की बजाय घर के काम में ध्यान दो। हमको ज्ञान देने चलिए महारानी। गाड़ी कैसे चलाते हो, नए हो क्या? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले शहर में आया हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, आज का तो दिन ही खराब है। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप रास्ता बताते जाइए, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। क्या रास्ता बताऊँ तुमको, उनसे फुर्सत मिलेगा तब ना। तुम एक काम करो, मुझे यहीं पे छोड़ दो, हम दूसरा रिक्शा ले लेंगे। अरे मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक तो मेरा समय खराब कर रहे हो, ऊपर से झिकझिक कर रहे हो। पहले बता दिया होता तो झिकझिक करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। जानते हो ना, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ने बताया नहीं क्या? मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ ना, तुम रोको गाड़ी यहीं पे, नहीं तो पुलिस को फोन करूंगा। रोको रिक्शा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। भैया मैं आपसे कैसे कहूं और आपको क्या बताऊं, और मैं आपसे झूठ भी तो नहीं कह सकता हूं भैया। बस एक बात पक्की है कि जब तक मेरा मुकाम नहीं बन जाता, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा भैया, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। एक और आतंकी हमला, कुछ सैनिक शहीद हो गए और कुछ गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। पता है प्रधान जी, जब कोई अपना सैनिक शहीद होता है ना, उसकी क्षति का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। क्षति तो है ही सुबेदार, मैं तुम्हारी मनोदशा को समझ सकता हूं। घर से दूर रहकर जो सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हीं की वजह से हम इस स्वतंत्रता का आनंद उठा पा रहे हैं। स्वतंत्रता का आनंद सिर्फ सैनिकों के बलबूते नहीं है, इसका श्रेय उन किसानों को भी जाता है प्रधान जी, जो अन्न उपजाकर पूरे देश का पेट पाल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूबेदार, मैं तो किसान को भी सैनिक ही मानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी को उपेक्षित मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं धीरज की तरह, जो शहर छोड़कर गांव आते हैं और खेती और किसानी को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सुबेदार चाचा। नमस्ते धीरज जी। बेटा बेटा, नाम लिया और धीरज हाजिर। बहुत लंबी उम्र है बेटा आपकी। अभी अभी प्रधान जी और हम आपका जिक्र कर रहे थे। बस आप लोगों का आशीर्वाद। सूरज कैसा है? बात हुई थी उससे, बोल रहा था ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मानता है। फोन किया था उसको लेकिन उठाया ही नहीं। तुम्हारा नंबर देखेगा तो बात कर ही ले। हाँ प्रधान जी, शाम को उसको फोन करता हूँ। वैसे मैंने सहकारी समिति के बारे में आप लोगों से बात की थी ना? हाँ, वो स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में जो किसानों के लिए बता रहे थे वही। जी प्रधान जी, वैसे भास्कर चाचा से बेहतर और जिम्मेदार व्यक्ति मुझे इस गाँव में कोई दिखता नहीं, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिम्मेदारी किसको दें जो अच्छी तरह से संभाल सके। हाँ बेटा प्रधान जी, गुरुजी की तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं रह रही है, ऐसे में अगर ये जिम्मेवारी उनके कंधे पर डालते हैं तो उचित नहीं होगा। मैं
गांव में ही किसी को ढूंढना होगा जो जिम्मेदार हो, ईमानदार हो और मेहनती। तो बेटा तुम्हारी नजर में कोई गांव में ऐसा हो तो मुझे बताओ, लगे हाथ हम सूबेदार की राय भी ले लें। प्रधान जी, दूसरा नाम तो आपने ही सुझा दिया मुझे। अब सूबेदार चाचा से बेहतर और ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है? क्यों सूबेदार चाचा? अरे बेटा हम नहीं, नहीं नहीं प्रधान जी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। सूबेदार, तुम ही कहते हो ना कि अगर इरादा अच्छा हो तो कोई भी काम हो सकता है। और फिर तुम तो सेना में रहो, तुमने देश की सेवा की है, अब गांव में रहकर अगर गांव वालों की सेवा का मौका मिल रहा है तो तुम पीछे हट सकते हो क्या? हाँ प्रधान जी, लेकिन मेरे नाम पर किसी को आपत्ति हुई तो सबकी राय लेना भी तो जरूरी है ना। सूबेदार चाचा, आपसे भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? गांव के विकास की कोई भी बात हो तो आप अपना पक्ष बड़ी ही मजबूती से रखते हैं और गांव वालों के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं। नहीं बेटा, सूबेदार का कहना ठीक है, ये निर्णय गांव का प्रधान होने के नाते मैं अकेले भी ले सकता हूं, लेकिन एक बार हम सबकी राय ले ही लेंगे। तो ठीक है प्रधान जी, इस संबंध में गांव वालों से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि इसके बारे में कौन क्या सोचता है। आखिर ये गांव के लोगों की भलाई के लिए है ना। नमस्ते प्रधान जी, किशन सर से आ गया। अच्छा, अब चलो अच्छा हुआ किशन आ गया, अब गोकुल चाचा को सहारा मिल जाएगा। धीरज बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, शहर से गांव लौटने लगे हैं लोग। लेकिन प्रधान जी, किशन की तबीयत बहुत खराब है और गोकुल चाचा उसकी हालत को देख के एकदम रह ही नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, हमारे किशन को का हो गया था, अभी बहुत हालत खराब हो गया इसका। हिम्मत नहीं हारते, भगवान सब अच्छा करेंगे। कहाँ ठीक हो जाएगा प्रधान जी, देखते नहीं कौन हालत में पड़ा है किशन। अगर कोई बाप अपने लड़का को ऐसे हाल में देखेगा तो कैसे नहीं कलेजा फटेगा प्रधान जी। किसके रोके रुका है सवेरा। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे कौन घड़ी ऐसा था जो हमको तुमसे दूर कर दिया? कोई तरह से हम लोग का गुजारा तो हो रहा था कि नहीं? अरे बाबू जी, आप कहाँ रो रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है हमको। बहुत तकलीफ हो रहा है मेरे किशन माँ को। अरे कौन घड़ी था जो किशन माँ का मुंह देखना पड़ रहा है? भगवान, बेटा हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, अच्छा से अच्छा इलाज करवाएंगे। क्या हो गया इसको? अरे प्रधान जी, देखिए ना, हमारे किशन को का हो गया था, जब भी गया था तो ऐसा नहीं था, अभी बहुत हालत खराब हो गया इसका। देखो गोकुल, हिम्मत नहीं हारते, भगवान सब अच्छा करेंगे। कहाँ ठीक हो जाएगा प्रधान जी, देखते नहीं कौन हालत में पड़ा है किशन। अगर कोई बाप अपने लड़का को ऐसे हाल में देखेगा तो कैसे नहीं कलेजा फटेगा प्रधान जी। देखिए चाचा, हम लोग आपकी परेशानी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आप ऐसा दिल छोटा करेंगे तो फिर किशन का क्या होगा? हाँ गोकुल भाई, अभी किशनमा को सबसे ज्यादा तुम्हारा ही जरूरत, किसी बीमार को दवा से ज्यादा देखभाल और हिम्मत की जरूरत होती है। वैसे हुआ क्या है किशनमा को, डॉक्टर क्या बोला? गुर्दा में कोई बीमारी हो गया, फेफड़ा कमजोर हो गया, सांस लेने में दिक्कत होता है, तनी मनी कुछ खिलाते हैं ना तो उल्टी कर देता है। अरे बाबू जी, परेशान क्या हो रहे हैं? एकदम ठीक है हम, कुछ नहीं हुआ है हमको। अरे बिना कुछ हुए ही हाल हो गया तुम्हारा, अब हम तुमको अपने पास एक पल भी नहीं जाने देंगे। सूबेदार भाई, ये वहाँ कुछ खाता पीता नहीं था। अरे खाएगा पिएगा नहीं तो शरीर में कैसे लगेगा? अरे धीरज भैया, आप ही समझाइए ना बाबू जी को,
आदमी बीमार होता है फिर ठीक होता है। इसमें घबराने की कौन सी बात है? देखो बेटा, एक बाप की मनस्थिति बाप नहीं समझ सकता है, पर ऐसा अचानक तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम तो अच्छी नौकरी करने गए थे ना यहाँ से। का नौकरी करने गया था, घर में पैसा भेजने के चक्कर में अपना पेट काटता था। अगर बेटा परेशानी में रहेगा तो बाप को अच्छा लगेगा का? सुबेदार भाई ये झूठ बोला था कि हमको वहाँ बढ़िया नौकरी लगा है, मजदूरी करता था फैक्ट्री में जहाँ की कोनो हवा बतास भी नहीं था। अब मैं क्या करता, आप ही लोग बताइए ना। बाबूजी के सर पे पहाड़ जैसा कर्ज था, खेत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसीलिए हम शहर गए थे। सोचे थे नौकरी मिल जाएगा, लेकिन इतना आसान थोड़ी नहीं था। बाद में हमको फैक्ट्री में काम मिला, लेकिन हमें लगातार झूठ बोलते रहे। लेकिन हमारे दिमाग में एक ही चीज था, घर पे पैसा भेजना है, चाहे जैसे भी हो खेत को बचाना है। अरे बेटा, किसान के लिए उसका जमीन ही सब कुछ होता है, और एक बाप के लिए उसका संतान से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम अपने बेटा के खातिर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तुम सुखी रहोगे ना तो ऐसा जमीन बहुत आ जाएगा बेटा। पता नहीं सूरज शहर में कैसे होगा, फोन भी नहीं उठा रहा है। हे भगवान, सूरज ठीक हो बस मैं यही चाहता हूँ। आज पहली बार आपसे बात करने में हिचकिचाहट हो रही है भैया। अरे यार सूरज, तुम कहाँ थे पूरा दिन? अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता है धीरज भैया कितनी बार फोन कर चुके हैं? क्या बोलूं, बड़े बड़े वादे करके यहाँ आया था, जब उनको पता चलेगा कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो क्या सोचोगे मेरे बारे में? तुम्हारे स्वाभिमान को चोट लग रहा है ना, वहाँ से तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक के आए हो, अब उनका सामना करने में तुमको अपमान महसूस हो रहा है। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या बात हो गई होगी शहर में? सोच रहा हूँ मैं ही शहर चला जाता हूँ। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। आज पहली बार आपसे बात करने में हिचकिचाहट हो रही है भैया। मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं छिपाया, हालात चाहे जैसे भी रहे हो आपने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया। अरे यार सूरज, तुम कहाँ थे पूरा दिन? अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता है धीरज भैया कितनी बार फोन कर चुके हैं, कितना परेशान है तुमको लेकर। हर बार फोन करके ना तुमको यही पूछते हैं कि सूरज ठीक है कि नहीं है। पता है वो यहाँ शहर आने वाले थे तुमको देखने के लिए, यही बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया है। यार तुम धीरज भैया को फोन कर लो। अरे यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ उनसे, क्या बोलूँ, बड़े बड़े वादे करके यहाँ आया था, जब उनको पता चलेगा कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो क्या सोचोगे मेरे बारे में? समझ गया, सब समझ गया। तुम्हारे स्वाभिमान को चोट लग रहा है ना, वहां से तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक के आए हो, लेकिन यहाँ तो तुमको कुछ मिला ही नहीं, अब उनका सामना करने में तुमको अपमान महसूस हो रहा है कि नहीं? बात अपमान की नहीं मेरे दोस्त, बस इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा। इसी को ना अपनी नजर में अपमानित होना कहते हैं दोस्त। लेकिन जो तुम्हारा अहंकार है ना, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, बस दिक्कत यही होती है। शायद यही बात है। मुझे भैया को ये बताने में अपमानित महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर रिक्शा चलाता हूँ। यार
भैया को या अपने परिवार के सामने क्या अपमान और क्या सम्मान। और दूसरी बात यह कि ये रिक्शा चलाना कोई अपमान वाली बात नहीं होती है। आज सूरज तुम ही तो कहते हो कि मेहनत से इज्जत से किया हुआ काम अच्छा होता है। तब तुम बताओ, बताओ मुझे मैं क्या करूं, कैसे मैं भैया से बात करूं। देख भाई सूरज, जब मैं यहां पर आया था ना तो मेरे अंदर भी यही उलझन थी। रास्ते तो बहुत हैं लेकिन ये तुमको तय करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है। एक तो ये हो सकता है कि तुम अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता दो और अपने मन से बोझ हल्का कर लो। और दूसरा? दूसरा जो मैं करता हूँ, अपने घर वालों को जो सपना दिखाए हो वो सपना रहने दो यार, किसी को बताने की जरूरत ही क्या है। और वैसे भी कौन देखने आ रहा है कि तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो। अरे नहीं यार, मैं अपने भैया से कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, बस तुम इतना समझ लो। यार मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। वैसे भी धीरज भैया कई बार फोन कर चुके हैं यार, तुम अपने परिवार को कितना नजरअंदाज करोगे। देखो धीरज भैया का फोन आ गया, वो मुझे भी फोन करेंगे। देख लो आ गया फोन। हाँ भैया, हाँ भैया, अब शायद सूरज ने फोन घर पे ही छोड़ दिया है और मैं भी अभी घर तक नहीं पहुंचा भैया। हाँ भैया, जैसे ही घर पहुंचता हूँ उससे मेरी बात होती है तो मैं उसको बोल दूंगा कि आपको फोन कर ले। जी 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 भैया, जी भैया, प्रणाम। भाई ऐसा भाई ना बड़े नसीब वालों को मिलता है, अपने कारण उनको कष्ट मत दो मेरे भाई। पता नहीं सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या बात हो गई होगी शहर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं मैं ही शहर चला जाता हूं। हाँ यही ठीक रहेगा। अरे बेटा लो प्रसाद लो और आरती ले लो। क्या हुआ, कुछ परेशान दिख रहे हो? नहीं माँ, बस वैसे ही। अरे कहा वैसे ही, तुमको हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब तुम व्याकुल होते हो ना तब तुम्हारी आंखें पटपट करके झपकने लगती है। बताओ कोनो ज्यादा परेशानी है का? नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन के लिए शहर चला जाऊँ। अरे क्या हुआ, गाँव का हवा राज नहीं आ रहा है का? फिर अफसोस हो रहा है कि इतना बढ़िया नौकरी छोड़ के गाँव में बैठा हूँ? नहीं माँ, अगर काबिलियत है तो नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी। मैं सूरज को लेकर परेशान हूँ, फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे भगवान जी क्या हुआ, क्या हुआ मेरे सूरज को बताओ, फोन मिलाओ मुझे अभी, काफी बात करवाओ। माँ मैं फोन लगा रहा था, चंदन से मेरी बात हुई है, मैंने उसको बोला है कि सूरज जैसे ही आएगा उसको बोलो घर पे फोन करने के लिए। अरे बेटा आज के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते है। मेरा सूरज तो वैसे भी मासूम है, कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो, और हो सकता है चंदन वहाँ हमको कुछ बता ना रहा हो, तुम फोन मिलाओ। अरे माँ मैं इसीलिए तुमको नहीं बता रहा था, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हो। अरे अपने खून को तकलीफ होगी तो खुद को तकलीफ नहीं होगी का? पराया क्या जानेगा इस दर्द को। अरे तुम सूरज को अपना समझते ना तो अभी तक आसमान और जमीन एक कर लिए होते। फोन कराओ और बात करो हमारी। माँ तुमको कैसे समझाऊं मैं, ये लो माँ सूरज का फोन आ गया। लाओ पहले मेरी बात करो। हाँ हेलो बेटा। लाओ पहले हमें मुझसे बात कराओ। लाओ बेटा ये लो पहले माँ से बात कर लो। हाँ अरे बेटा सूरज कैसे हो तुम, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे हमारी तो जान सूख के अटक गई, तुमको पता है ना बेटा तुम्हारे सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन। अरे माँ आप क्यों चिंता कर रही है। माँ माँ मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अरे माँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? माँ वो क्या था, जल्दी जल्दी में मोबाइल घर पे भूल गया था। तुमको पता है ना बेटा
तुमको कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? और बहुरिया के बारे में सोचा है? उका का होगा? आपको किशनवा के बारे में कुछ पता चला? कौन किशनवा? अपना किशनवा? अरे वो तो बढ़िया नौकरी कर रहा था। काहे का नौकरी भौजी, वो तो मजदूरी कर रहा था बेचारा। बीमार होकर घर आया है, पूरा शरीर खत्म हो गया। कहीं किशनवा के जैसा वो का हालत हो गया तो हम तो जीते ही जी मर जाएंगे छबीले। ये लो, पहले फॉर्म फिर साइन करो, कल इसका आखिरी दिन है पत्राचार के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन लेने का। मैंने फॉर्म पहले ही भर दिया है। जरा सोचिए भैया, अगर माँ को पता चला तब का तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और तुम वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। माँ जी से छुप कर कैसे? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना। बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना। बना लो अपने खुददारी, जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, इसके रोके रो।